ओके मेरे बच्चों, सो लास्ट टाइम एज यू नो दैट वी हैड स्टार्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम हम लोगों ने स्टार्ट की थी मेरे बच्चों यस्टरडे. एंड आई हैव टोल्ड यू कि एल्युमिनियम जो है ये अर्थ क्रस्ट में आपको किस फॉर्म में मिलता है जी, बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है जी. ठीक है जी. सो इसका जो ओर होता है एल्युमिनियम का दैट इज बॉक्साइट, एंड द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट दैट इज Al2O3. Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है जी. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि बॉक्साइट आपको अर्थ क्रस्ट में कहां पे मिलेगा, 20 फीट डीप आपने जाना है तो वहां पे आपके पास बॉक्साइट के ओर होते हैं जी. ठीक है जी. जब आप इसको जमीन से बाहर निकालते हो मेरे बच्चों, सो व्हाट वुड हैपन? नो माय डियर, क्या कर रहे हो यार. जब इसको जमीन से बाहर निकालते हैं मेरे बच्चों तो इसके साथ कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, एंड द इंप्योरिटीज प्रेजेंट विद इन द बॉक्साइट दे आर सैंड, द सेकंड वन इज मड, एंड द थर्ड वन इज स्टोन्स. तो ये चीजें जो हैं वो बॉक्साइट के साथ जो है वो बाहर निकल आती हैं जी. दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से जुदा करने के लिए, अलहदा करने के लिए मेरे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड जो है वो यूज करते हैं जी. ठीक है जी. तो आपके पास जो है एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अलहदा करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी. अब इलेक्ट्रोलिसिस में अगर ये इंप्योरिटीज इसके अंदर स्टे करेंगी तो ये आयंस का रास्ता रोकेंगी, जिसकी वजह से आपका बहुत सा करंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा. सो यू हैव टू रिमूव दीज इंप्योरिटीज बिफोर डूइंग द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है जी. तो कल भी मैंने बताया था कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जी. कल आपको पूरी ये तफसील इसकी बता दी थी. एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेस के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है. चार चीजें एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं. मैंने एक वर्ड बताया था, जॉल्ट, जिंक, एल्युमिनियम, लेड एंड टिन. इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं. ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जी. बेटे प्लीज यार. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बच्चों प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट. सबसे पहले हमें बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन करनी है जी. ठीक है जी. तो बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, यू हैव टू टेक अ वेसल इन विच 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट. ठीक है जी. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 40% का मतलब है कि इसमें 40 हिस्से जो है वो आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और 60 पार्ट्स जो हैं वो आपके जो है वो जल्दी आ जाए ब्रो बेटे. अच्छा जी, 40 पार्ट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं और 60 पार्ट्स जो है वो वाटर होता है, और ये चीज जो है ये आपकी बेस या एल्कली होती है जी. तो आपने एक वेसल के अंदर 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है. अब याद रखो मेरे बच्चों के जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जिनको जॉल्ट कहते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, लेड एंड टिन, ये चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एसिड और बेस में सॉल्युबल होती हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होती, ये ध्यान में रखें. तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉक्साइट है Al2O3, ठीक है जी, विद इट्स इंप्योरिटीज, इसके साथ इंप्योरिटीज कौन कौन सी हैं, सैंड, मड और स्टोन्स, इनको हमने इसके अंदर डाल दिए जी. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मैंने पहले ही बताया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है मेरे बच्चों ये क्या करेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी इसमें डिजोल्व हो जाएगा, Al2O3 में ये डिजोल्व हो जाएगा जी.
जबकि ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी जी, ठीक है जी, सैंड मड एंड स्टोन्स, दे आर नॉट सॉल्युबल इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये आपकी इनसॉल्युबल होती हैं, तो ये नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है जी, इनको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक इस तरीके से फनल ले लेंगे, ठीक है जी, फनल के अंदर आपने लगा देना है एक कागज, कौन सा कागज भला, फिल्टर पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर लगा दें, दिस इज द फिल्टर पेपर, ठीक है जी, ये आपकी फनल है। अच्छा जी, अब आपने इसको इसके अंदर करने हैं, तो ये जो इम्प्योरिटीज होंगी सारी की सारी वो इसके ऊपर सेटल हो जाएंगी, यानी ये सैंड मड और स्टोन्स, चूंकि ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाई मेरे बच्चों, तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। और याद रखो, जो चीजें फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं उनको हम कहते हैं रेजिड्यू, उनको रेजिड्यू का नाम देते हैं, और जो चीज फिल्टर पेपर में से पास हो जाती है ड्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है जी, उसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट के अंदर क्या चीज आ गई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हुआ हुआ है जी, इसके अंदर हल हुआ हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो दोबारा से सुन ले, हम लोगों ने क्या किया था, बॉक्साइड विद इट्स इंप्योरिटीज दे आर बीइंग डिसॉल्व्ड इन 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बॉक्साइड, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सो इट विल डिसॉल्व विद इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वेयर एज द इंप्योरिटीज दे विल सेटल डाउन, इन इंप्योरिटीज को हम लोग फिल्टर कर लेंगे, so the impurities will remain on the filter paper in the form of residue, ठीक है जी, whereas sodium hydroxide and aluminium oxide which are soluble they will pass through the filter paper in the form of filtrate, तो वो filtrate की form में इसके नीचे जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि ये जो आपके पास filtrate आ चुका है मेरे बच्चों, ये जो filtrate आपके पास आ चुका है, ठीक है जी, इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों चीजें मौजूद हैं। आपने क्या करना है कि इसको डाइल्यूट कर देना है जी विद वाटर, डाइल्यूट विद वाटर, इसमें बहुत सारा पानी डाल देना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं मेरे बच्चों वो सिर्फ एसिड या बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करके उनमें डिजॉल्व हो सकते हैं, जबकि पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते। तो जब हम इसमें बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये इसके अंदर डिसॉल्व पहले हुआ हुआ था, कब डिसॉल्व हुआ हुआ था, व्हेन द वाटर वाज 60% एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज 40%। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाती है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये दोबारा से इनसॉल्युबल होके क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके पास नीचे बैठना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास जो है वो प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइट आपके पास आ चुका है, इसमें से जो इंप्योरिटीज थी वो सारी हमने इस मेथड से जो है वो रिमूव कर दी है जी। यू गॉट इट, इज इट क्लियर जी? जी बेटे, सर एक मिनट, वो रिपीट कर दें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं? जी मैंने बताया, वो नीचे जो फिल्ट्रेट आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको आप डाइल्यूट करते हो विद वाटर, ठीक है जी, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन द वाटर, सो इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट अगेन एंड विल फॉर्म द सॉलिड, ठीक है जी, आपके पास प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा, इसको फिल्टर करके आप अलग कर लीजिए। यू गॉट इट?